तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है एंड आप लोग को बिल्कुल पसंद आएगा एंड आप लोग को ये इस वीडियो के अंदर पता चलेगा एक्चुअली में क्लब फैक्ट्री पे जो प्रोडक्ट दिखता है वो एक्चुअली में आता है कि नहीं आता है एंड क्लब फैक्ट्री के अंदर आप लोग को प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं फुल रिव्यू दूंगा, थोड़ा सा फनी टाइप का भी होगा, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव भी होगा। वीडियो को एंड तक देखते रहिए, मेक श्योर वीडियो को लाइक करके मुझे बता देना आप लोग को वीडियो अच्छा लगा एंड अच्छा नहीं लगा तो भी मुझे बता देना कहाँ पर आप लोग को डाउट लगा एंड कहाँ पर मैंने आप लोग को सही से समझा नहीं पाया। तो देखो यहाँ पर मैं कुछ प्रोडक्ट का रिव्यू दूंगा। देखो क्लब फैक्ट्री के अंदर अक्सर जो दिखता है ना, जो अच्छा आप लोगों को प्रेजेंटेशन देता है वो एक्चुअली में नहीं होता है। तो मैं एक एक करके आप लोगों को प्रोडक्ट दिखाऊंगा, साइड पे उसका पिक्चर भी दिखाऊंगा, पिक्चर क्वालिटी कैसा होता है, आपका प्रोडक्ट कैसे आता है एंड वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। तो चलो सबसे पहला प्रोडक्ट मैं एक स्टार्ट करता हूं जो कि मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा था, लेकिन प्रोडक्ट जब असली में आया तो आप साइड पे पहले इमेज देखो, वो वाला प्रोडक्ट मुझे ये आया। तो देखो अंदर का जो टी शर्ट आप लोगों को दिख रहा है ना, वो टी शर्ट आप लोगों को बिल्कुल नहीं मिलेगा, ओनली ये वाला मिलेगा एंड इसका जो कलर वहाँ पर एडिटिंग करने के बाद जो दिखा रहा है वो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि टिकटॉक के अंदर आप लोगों को पता है मोंटी रॉय जैसे दिखता है ना मेकअप के अंदर, वैसा वहाँ पर इमेज के अंदर दिख रहा है, लेकिन इधर पे असली में आता है मोंटी रॉय दिखने में तो सुंदर है लेकिन वो तो जेंडर अलग है ना, तो इसलिए वहाँ पर कुछ अलग दिखेगा, यहाँ पर कुछ अलग ही आपका आएगा, ठीक है। तो यह है पहला प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट मुझे इमेज देख के बहुत ही अच्छा लगा था तो मैंने तो इसको स्लैश हीट करके ख़रीदा था, मानी देखे मैं इसको ख़रीदता तो पूरा लॉस हो जाता। तो चलो मैं सेकेंड प्रोडक्ट मैं आप लोग को दिखाता हूँ जो कि एक कोट है, तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, कोट का साइड पर पिक्चर भी देख लेना एंड यहाँ पर ओरिजिनल में देख लो। ये पहन के आप लोग कहीं मैं कहूँ तो नहीं जा सकता, क्योंकि देखो इस कोट मुझे कहीं ना कहीं रेनकोट जैसे लग रहा है। आप बादल में बरस में तो इसको पहन के जा सकते हैं, लेकिन इसको जहाँ पर वहाँ पर दिखा जा रहा है ना इमेज के अंदर, वो बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों साइड पे मैं इसका सबके सब प्राइस भी मैं मेंशन कर दूंगा एंड लास्ट में मैं मेरा खुद की ओपिनियन दूंगा आप लोगों को भी यहाँ पर प्रोडक्ट परचेस करना है या नहीं है। तो चलो मैं थर्ड प्रोडक्ट के अंदर जाता हूँ जो कि है सोनी का हेडफोन। तो देख सकते हैं यहाँ पर सोनी का हेडफोन उन लोगों ने सिर्फ देख के रखा था 500 रुपीज़। इनका बहुत ज़्यादा एड भी आता रहता है, ये लोगों ने कमीशन को नहीं लेता है इसलिए इसका प्राइस इतना कम है, लेकिन मैं बोलूँ तो कमीशन नहीं लेता ये बिल्कुल भी बात नहीं है। ये लोग एक्चुअली में फेक प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं इसलिए प्राइस इतना कम है। तो देखो यहाँ पर साफ साफ सोनी लिखा हुआ है लेकिन ये एक्चुअल में सोनी है नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई मुझे डब्बा वगैरह, इसका जो आता है इनवॉइस वगैरह कुछ भी मुझे नहीं मिला था एंड ये है ओरिजिनल सोनी, बिल्कुल नहीं है, फेक प्रोडक्ट है। फेक प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है क्लब फैक्ट्री, जहाँ पर वहाँ पर लोगो देख सकते हैं। मैंने होनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, मैंने इसको सिंपली परचेस करने के बाद इसको मैंने इस्तेमाल किया तभी जाके मैं बोल रहा हूँ 500 रुपीज़ का सोनी कहीं पर भी नहीं मिलता, क्लब फैक्ट्री पर भी नहीं मिलेगा, ये फेक सोनी है। तो चलो अभी मैं और भी कुछ, मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, मैं एक के बाद एक आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये है एक हेयर स्ट्रेटनर, तो जो कि मुझे अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, इसको यूज़ करना भी मुझे नहीं आता है, ये लड़की वाला प्रोडक्ट है, ये तो मैं यूज़ भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी इसको मैं खोल के आप लोगों को दिखा देता हूँ ये एक्चुअल में आप लोगों का वैल्यू फॉर मनी होगा या नहीं होगा। इसका भी ये तो मैंने कॉम्बो पैक के अंदर ख़रीदा था, तो इसको मुझे एक्चुअल में यूज़ करना नहीं आता है, ठीक है, कैसे करके इसको यूज़ करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलो इसको अनलॉक वगैरह मैं तो कर पा रहा हूँ लेकिन चलो ये देखूँगा। तो इसको मैं घर का कोई फैमिली मेम्बर को प्रोवाइड कर दूंगा, देखता हूँ ये यूज़ होता है या नहीं होता है, या इलेक्ट्रिसिटी बचत करता है या इलेक्ट्रिसिटी बहुत खाता है, बाद में देखूंगा। ये तो नोवा कंपनी लिखा हुआ है, ये भी ओरिजिनल फेक मुझे नहीं है अभी तक का पता। तो चलो अभी मैं और कुछ प्रोडक्ट आप लोगों को दिखा देता हूँ जो कि यहाँ पर देखो स्मार्ट वॉच। तो स्मार्ट वॉच देख सकते हैं इसका कीमत वहाँ पर लिखा हुआ था 1000, तो 1000 का ये घड़ी बिल्कुल नहीं है। इसका क्वालिटी मैंने देखा, मैंने इसको एक ऊपर पे जो है ना इसको मैंने लगाया इसलिए इतना चमक रहा है, लेकिन ये पूरा का पूरा स्क्रैचेस से भरे पड़े थे। तो इसको मैंने थोड़ा सा, मेरा ही दुकान है मेरा भैया का, वहाँ पर जाके मैंने इसको लगाया तब जाके इतना सुंदर दिख रहा है एंड यहाँ पर तो आप लोग को दिखेगा 1000 का घड़ी। ये घड़ी देख सकते हैं ऑफलाइन पे है 150 रुपीज़ का, तो इससे इसको कंपेयर करेंगे ना, ये तो घटिया क्वालिटी का है ही एंड ऊपर से ये तो चलता है, बिल्कुल चलता है, मैं दिखता हूँ ये अभी स्विच ऑफ हो चुका है, लेकिन इसमें मैंने फुल चार्ज देके रखा था, ये अभी स्विच ऑफ हो चुका है। इसका इंटरफेस देखो,
बहुत ही सही है ना। हाँ बहुत सही है। तो देखो यहाँ पर आप कॉल वगैरह कर सकते हैं, स्मार्ट वॉच तो बहुत सही है, 1000 रुपीज़ पे आपको क्लब 50 के अंदर मिल जाएगा, लेकिन नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। प्रोडक्ट का बिल्ड क्वालिटी बोले तो कुछ भी यहाँ पर अच्छा नहीं मुझे लगा पर्सनली। तो देखो मैं इसको स्लैश सीट ऑफर से ख़रीदा था, इसलिए तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगा। मैं मानी दे के ख़रीदता तो कितना बड़ा लॉस होता, मैं सोच के बस हैरान हो रहा हूँ। तो चलो अभी मैं और एक प्रोडक्ट दिखा देता हूँ जो कि है यहाँ पर देख सकते हैं स्मार्ट बैंड मैंने ऑर्डर किया था। तो स्मार्ट बैंड का क्वालिटी मुझे उतना भी बुरा नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर भी एक खूबियाँ है जो कि है यहाँ पर ये जो देख रहे हैं स्मार्ट वॉच भी चलता है। यहाँ पर देखो ये जो मैंने जब यहाँ पर लगाने के लिए गया ना, यहाँ पर जो मैं लगाने के लिए गया फटाफट तुरंत ऊपर से ये उठ गया था। देखिए ये ऑटोमेटिकली उठ जाएगा, ठीक है। मतलब इसका जो इसका भी बिल्ड क्वालिटी मैं बोलूँ तो बहुत ही घटिया है। इसको मैंने क्वालिटी मुझे अच्छा लगा, लेकिन बिल्ड क्वालिटी मतलब इसको हाथ में लेने से मुझे फील हो रहा था हाँ ये सही प्रोडक्ट हो सकता है। वहाँ पर भी कंपनी का नाम अलग था, मैं जब परचेस किया था यहाँ पर M3 करके आ रहा है, यहाँ पर कंपनी का नाम शायद अलग है। तो चलो ये तो काम कर रहा है, लेकिन ये जब भी मैं यहाँ पर अंदर घुसा रहा हूँ ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ये बाहर हो रहा है, मतलब ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी शायद मैं यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि इसका भी क्वालिटी उतना भी अच्छा नहीं लगा। तो चलो अभी और एक मैं लेडीज़ बैग दिखा देता हूँ जो कि वहाँ पर मुझे बहुत ही बढ़िया सा दिख रहा था, बहुत ही बड़ा लग रहा था, एंड शायद हो सकता था यहाँ पर चेन वगैरह रहेगा। मैंने सोचा था चलो ये एटलीस्ट कम प्राइस पे अच्छा मुझे मिलेगा प्रोडक्ट, लेकिन मैंने जब इसको देखा भाई यहाँ पर चेन वगैरह बिल्कुल भी नहीं। मतलब इसको आप बच्चे का खिलौना जैसे यूज़ कर सकते हैं, ये बड़े लड़की के लिए नहीं है, ये बच्चे वगैरह के लिए बहुत ही परफेक्ट है। एंड इसका कीमत शायद 200 या 300 रुपीज़ था, आप साइड पे देख सकते हैं, इसका ओरिजिनल पिक्चर भी मैं दिखा दूँगा। तो चलो अभी मैं और कुछ हुडी वगैरह दिखाता हूँ जो कि मुझे क्वालिटी सही मिला, लेकिन साइज में भाई दिक्कत है। तो देखो ये मैंने 2 हुडी परचेस किया था, तो एक पे मैंने मीडियम एक पे मैंने स्मॉल ऑर्डर किया था। एक्चुअली भी मेरा अमेजन पे जितना सारा मैं परचेस करता हूँ शर्ट टी शर्ट वगैरह मेरे को स्मॉल पे आ जाता है, लेकिन यहाँ पर मैंने मीडियम परचेस किया, फिर भी इसका लेंथ देखो एक बार लेंथ देखो, इतना सा लेंथ है, मतलब मेरा कहाँ तक बोलूँ एकदम भी नहीं हो रहा है, बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही शॉर्ट। मतलब लड़कियों के लिए शायद अच्छा होगा, लेकिन उसका भी पेट पूरा दिखाएगा ये तो बिल्कुल भी मुझे बुरा लगा। एंड ये तो मैंने स्मॉल ऑर्डर किया था, तो ये तो मेक श्योर ये तो छोटा आएगा ही, इनका मीडियम साइज इतना होगा। तो ये लोग इंडिया के हिसाब से कर रहे हैं या बाहर के हिसाब से साइज को कंपेयर कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पर जो साइज लिखा हुआ था वहाँ पर लेंथ कहीं पर भी मेंशन नहीं था, ओनली मेंशन था आपका जो है चौड़ा वगैरह ये सब मेंशन था, ठीक है। तो देखो ओवरऑल मैं इस वीडियो के अंदर देखो 8 मिनट का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, तो मेरा जितना सारा प्रोडक्ट था ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, और भी एक प्रोडक्ट बचा रहेगा जो कि क्वालिटी मुझे सबसे अच्छा लगा। ये बैग मुझे एक्चुअली मैं बोलूँ तो सबसे अच्छा लगा, प्राइस इसका था 1000 के करीब। ये बैग सच्ची में मुझे क्वालिटी ठीक ठाक लगा, तो इसको मैं अच्छे ही बोलूँगा। चलो इसको मैं 5 स्टार के अंदर 4.5 दे दूँगा, तो ये तो मुझे एक्चुअली अच्छा लगा ये प्रोडक्ट मुझे पर्सनली। यहाँ पर लॉक वगैरह सब कुछ दिया हुआ है इसको, तो आप बैग का नाम भी आप शायद जानते हो, ये है एंटी थीप बैग। तो ये बैग मुझे पर्सनली अच्छा लगा। ओवरऑल मैं इतना सारा प्रोडक्ट आप लोगों को दिखा चुका हूँ, लगभग 11 या 12 प्रोडक्ट आप लोगों को दिखा चुका हूँ, इनमें से एक प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा। ओवरऑल मैं आप लोगों को बोलूँ क्लब 50 के अंदर आप लोगों को प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं ओवरऑल बोलूँ तो बिल्कुल आप लोगों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ओनली आपका मनी वेस्ट होगा और टाइम वेस्ट होगा। तो मनी वेस्ट तो आप नहीं कह सकते क्योंकि इन लोगों का रिटर्न पॉलिसी है, रिटर्न पॉलिसी आप करेंगे तो आपको रिटर्न तो बिल्कुल मिल जाएगा प्रोडक्ट का, लेकिन जो टाइम आपका बर्बाद होगा टाइम तो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम एक बार आपको बीत जाएगा तो आपको बाद में उस टाइम कहीं नहीं आपको वापस दे सकता। तो सर चलो आज के इस वीडियो के अंदर मैंने लगभग 10 या 12 प्रोडक्ट दिखा चुका हूँ क्लब फैक्ट्री का, एंड सारी के सारी प्रोडक्ट पे मेरा कुछ ना कुछ दिक्कत या गड़बड़ सबके सब प्रोडक्ट पे है। यानी ओवरऑल मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ क्लब फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट लेना मतलब आपका टाइम वेस्ट बिना कुछ भी नहीं है। दोस्तों चलो आज की वीडियो मुझे पता है आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आएगा, इन्फॉर्मेशन सही लगा, इन्फॉर्मेशन पे आप लोग सहमत हो
वीडियो को लाइक करके सारे फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करो। कुछ भी दिक्कत है वीडियो के अंदर मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करो। और कुछ भी मैं क्लाब फैक्ट्री वालों से भी मैं बोलना चाहूँगा, इनका जो सेलर आप लोग का सेलर को थोड़ा सा इंप्रूव करो। सेलर को आप लोग जो कुछ भी सेलर को वहाँ पर घुसने नहीं दो, आप पहले वेरीफाई करो सेलर कैसा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, कैसा क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, इमेज पे कैसा शो हो रहा है। ऐसा करके आप लोग सेलर को प्रोवाइड करो, तब भी जाके क्लाब फैक्ट्री इंडिया का मार्केट को ले पाएगा, नहीं तो अमेजन और फ्लिपकार्ट अभी बेस्ट है, बेस्ट ही रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। मुझे पता है वीडियो आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके सारे फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करो, ताकि सबको इस वीडियो देख के कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए फिर मिलूंगा अगले और कोई न्यू एंड एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।